आज हम बनाएंगे बिना तेल और बिना हल्दी की सब्जी। उसके लिए हमने 2 ग्लास पानी डाल लिया है और उसमें अपना आलू डाल लिया है और फ्लेम को हाई कर दिया है। इसको हम ढक के थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, आलू हमारा आधा पक चुका है तो हमने गोभी ऐड कर दिया है, क्योंकि गोभी हमारा जल्दी पक जाता है इसलिए हम थोड़ा बाद में गोभी ऐड करेंगे। हमारा आलू आधा पका हुआ है, पूरी तरह से नहीं पका, बिल्कुल आपको ऐसे रखना है आलू। अब हम गोभी को भी आधा सॉफ्ट कर लेंगे। ग्रेवी के लिए चाहिए हमें 2 टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने 3 पत्ता और 2 लौंग, लाल मिर्च ये भी ऐड किया है। हमारा गोभी भी सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है हमें। हमने उसी कढ़ाई में 1 चम्मच जीरा डाल दिया, गोभी है इसलिए हमने 1 भी डाल दिया है। अब जीरा भून चुका है हमारा, हम पेस्ट ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। इसमें बिल्कुल 2 चम्मच हमने पानी डाल दिया, भून लेंगे। ये हमारा देखिए टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, धनिया पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, पानी डाल दिया, ऐसे मिक्स कर देंगे। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ रहा है हमारा, हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रहे हैं। अब हमारा ग्रेवी पक चुका है, इसमें हम अपने उबले हुए गोभी और आलू ऐड करेंगे। 50% जो हमारे उबले हुए गोभी और आलू है उसको ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, हमने हल्दी अवॉइड कर दी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे।